नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देश उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून में पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। रोजगार भर्तियों से जुड़े कई फैसलों पर कैबिनेट में मंथन होगा। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मामला, उपनल कर्मियों के वेतन और नियमितीकरण का जो मामला है, ठेकेदार अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन, रोजगार भर्ती संबंधित कई फैसलों पर सरकार मंथन करेगी और कई अहम फैसले हो सकते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है और कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। और इन महत्वपूर्ण फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि धामी सरकार के सामने वक्त बहुत कम है। चुनाव के मुहाने पर सरकार खड़ी है और ऐसे में आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है और कई सौगातें मिल सकती हैं। उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा रद्द कर दी है। कोरोना महामारी को देखते हुए यात्रा रद्द की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ यात्रा को लेकर सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसमें कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए। तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला लिया गया कि हरिद्वार में कावड़ यात्रा रद्द रहेगी। सीएम ने पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने की बात कही है। उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा को रद्द किया है कोविड के हालात को देखते हुए, क्योंकि जो तीसरी लहर है उसकी आशंकाएं बरकरार हैं। और इन सब के बीच सीएम पुष्कर धामी ने कावड़ यात्रा को लेकर बैठक की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला किया गया कि यात्रा रद्द रहेगी। काफी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। कांवड़ यात्रा रद्द होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड 19 की तीसरी लहर की आशंका और इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया। मनुष्य जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल रोक लगाई है। पिछले साल भी कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया था। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 में कांवड़ यात्रा हुई थी, तब बड़ी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार पहुंचे थे, मगर पिछले साल 2020 में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई और इस बार भी सावन के महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। और कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आला अधिकारियों का कहना है कि अगर पाबंदी के बावजूद भी कोई कांवड़िया उत्तराखंड में आता है तो सख्ती बरती जाएगी। कांवड़ यात्रा के स्थगित होने के बाद कैसी रहेगी पुलिस की व्यवस्थाएं, पुलिस के प्रवक्ता और आईजी पुलिस अमित सिन्हा से बातचीत की संवाददाता विनोद कुमार। उत्तराखंड में इस बार भी कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है और आगे की क्या स्थिति रहेगी, हमारे साथ में है उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता और आईजी पुलिस अमित सिन्हा साहब। सर, अभी कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है राज्य में, अब ऐसे में किस तरीके की चुनौती पुलिस के सामने होगी और क्या क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, अब तक चूँकि निर्णय था कि कांवड़ नहीं कराई जाएगी, तो इस पर शासन ने जो निर्णय लिया है, हम लोग पुलिस पूरी तरह से शासन के निर्णय का पालन करेगी और इसकी जो डिटेल्स है वो जो कैसी व्यवस्था होगी क्या होगी इस पर अभी हम लोग जल्द ही मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर आपको समय से अवगत करा दिया जाएगा कि उसमें क्या क्या व्यवस्था रहेगी। सर, उत्तर प्रदेश में संचालन है अभी कांवड़ यात्रा का, तो ऐसे में चुनौती होगी और सीमाओं पर किस तरह की व्यवस्था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सीमाओं पर भी हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो डिटेल व्यवस्था कैसी होगी क्या होगी ये हम लोग कल तय करके, कल हम लोग की इसमें हम लोग की मीटिंग में रखी है, गहन मीटिंग है, उसके बाद हम लोग तय करके इसको कल खत्म करते हैं। कांवड़िए अगर आते हैं तो उनके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, दिशा निर्देश?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जितनी भी अपील वाली बात होगी ये कल हम लोग जब हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम लोग चाहते हैं कि ये कांवड़ ने जो भी शासन ने निर्णय लिया है हम लोग उसका अक्षरशः पालन करेंगे। तो क्या उनको कांवड़ियों को निर्देश देना है ये सब हम लोग बता देंगे। सख्ती आपकी तरफ से यानी पुलिस की तरफ से बढ़ती जाएगी अगर कुछ लापरवाही होती है? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो भी निर्देश हैं कि क्योंकि इसमें थाने का भी बड़ा अहम रोल है, जनपद हरिद्वार का अहम रोल है, साथ में हमारे बॉर्डर पे जितने भी ड्यूटीज़ हैं उसका बड़ा अहम रोल है, तो ये सब हम लोग निर्देशित करेंगे उनको। हमने बात की है IG पुलिस अमित सिन्हा साहब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कांवड़ यात्रा का संचालन है लेकिन उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है, और ऐसे में अगर कोई भी कांवड़िया उत्तराखंड की सीमा पर घुसता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के माध्यम से की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। देहरादून में राज्य आंदोलनकारी एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल राज्य आंदोलनकारी सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग को लेकर कानून न बनाए जाने पर नाराज हैं। इसे लेकर राज्य आंदोलनकारी आज सड़क पर उतर आए और राजभवन कूच कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य निर्माण के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया था जिसके चलते उत्तराखंड अलग राज्य बना है, लेकिन अब उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ही भटकना पड़ रहा है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि पूर्व में सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट इस आरक्षण को मान्य नहीं कर रहा है जिसके चलते पूर्व में आरक्षण को लेकर सरकारी सेवा में लगे कर्मचारियों का भविष्य खतरे में। तो राजभवन कूच कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारी, 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर राजभवन की तरफ कूच किया और लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। और विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये जो क्षैतिज आरक्षण का मामला है और जो राज्य आंदोलनकारी हैं, पहले भी इनके आंदोलन इस तरीके के दिखते रहे हैं, ये पूरा पेच कहां पर फंसा है और क्या इस पर सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? जी अवधेश, देखिए अभी राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इनके राजभवन कूच को लेकर नहीं आई है, लेकिन लंबे समय से ये कई मांगों को लेकर कूच करते रहे हैं और आज इसी क्रम में राजभवन कूच इन्होंने राज्य आंदोलनकारियों का है और लगातार तमाम सुरक्षा और बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोका जा रहा है। हल्की झड़प जरूर पुलिस के साथ हुई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही राज्य आंदोलनकारियों की जितनी जो भी मांग है उनको जल्द ही बैठकर सुलझा लिया जाएगा। अभी जिस तरह से अलग अलग प्रोटेस्ट यहाँ पर देखे जा रहे हैं, अभी राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक सचिवालय में चल रही है। एक तरफ प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर उसके लोग भी सड़कों पर है, वो खुद सांकेतिक उपवास कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारी राजभवन का कूच कर रहे हैं और ऐसे में राज्य के युवा मुख्यमंत्री और लोगों का एक विश्वास अब ये इस तरीके से बढ़ रहा है कि अगर कोई युवा बेरोजगार घूम रहा है या फिर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो जरूर पुष्कर सिंह धामी से ये आस है कि आखिरकार उनकी जल्द से जल्द समस्या हो और जो बेरोजगारी उत्तराखंड में है जल्द से जल्द निपटान हो। और दूसरी अगर बात करें अवधेश, तो राज्य आंदोलनकारियों की कई ऐसी मांगे हैं जिन पर वो लंबे समय से अड़िग हैं। फिलहाल राजभवन कूच उन्होंने किया है, लेकिन जल्द से जल्द सरकार की तरफ से एक तथ्य जरूर आया है कि जल्द ही उनकी जितनी भी मांगे हैं उनको लेकर निपटारा कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया विनोद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उत्तराखंड में आज भी बारिश जारी है, पहाड़ों में लैंडस्लाइड की वजह से कई मार्ग बंद है। इस बीच खबर यह आ रही है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भी भूस्खलन की वजह से बाधित है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले कई लिंक मार्ग भी बाधित है। जगह जगह पहाड़ियों से चट्टाने टूटकर रोड पर गिर रही हैं जिस वजह से मार्ग बाधित हो गया है। तो लगातार बारिश उत्तराखंड में चल रही है और आप देखिए जो सड़कें हैं वहाँ पर मलबा आ गया है, वहाँ पर पेड़ गिर गए हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो मार्ग है वो भी बाधित हो गया। और आप देखिए मलबा कितना ज़्यादा जमा हुआ है कि उसे हटाने में भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। और बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ धाम में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पुनर्निर्माण काम प्रभावित हो गया है। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य, लेकिन 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद अब वहां पर पुनर्निर्माण का काम बाधित हो गया है। तो देखिए ये बाबा केदारनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सामने मंदिर दिख रहा है आपको, लेकिन 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश के चलते वहां पर पुनर्निर्माण कार्य बाधित हो गए हैं, रोकने पड़ गए हैं क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और 3 दिन हो गए हैं लगातार ये बारिश जारी है।
और अब बात उत्तरकाशी की, जहां पर हर्षिल घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले एकमात्र वैली ब्रिज पर खतरा मंडरा रहा है। मोटर पुल की हो रही खुदाई की वजह से ब्रिज में दरारें पड़ने लगी हैं, जिसके बाद अब प्रशासन पर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और नए पुल के काम को भी रोक दिया गया है। तो वहीं लोक निर्माण विभाग को सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए। और दिग्वीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्वीर, जिस तरीके से वैली ब्रिज में दरार पड़ी है, क्या इसका कोई वैकल्पिक मार्ग है और क्या किया जा रहा है फिलहाल हालात सही करने के लिए? जी, आपको बता दूं, जो हर्षिल वैली में जो ब्रिज है, एकमात्र ब्रिज है, ये काफी पुराना है और इसके बगल में ही एक आरसीटी का ब्रिज बनना है और इसका काम जो कि लगातार इस बार ही शुरू हो चुका है। तो शुरू होने के बाद जिस तरह से मौसम है, मौसम काफी खराब है, लगातार बारिश होती है, तो संस्कृत दिन में ये क्षेत्र आता है। तो जिस तरह से जो दरार पड़ी है, दरार पड़ने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, तो जिला प्रशासन ने जो टीम वहाँ पे काम कर रही है, जो ठेकेदार के लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पुल की सुरक्षा को देखते हुए जो कि वहाँ पे अब वहाँ पे मजदूर लगा दिए गए हैं और वहाँ पे जो कि जो दरार है, जो जिस तरह से जो नदी का बहाव है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इस बरसात में जो कहीं ज्यादा हानि ना हो, जिस तरह से कोई परेशानी ना हो किसी को, और जो पुल की जो जिस तरह से दरार पड़ी है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और जो कि जो नया पुल है उसको भी उसको बनाने के लिए अभी जिस तरह से जो काम चल रहा है उसको रोक दिया गया है, और जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग और जो अन्य डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, तो पुल को सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। शुक्रिया दिग्वीर आपका जानकारी के लिए। विकासनगर में चक्राता कालसी रोड पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड का एक बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर दिलों में दहशत पैदा हो रही है। आप देखिए किस तरीके से पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। गनीमत यह रही कि उस वक्त कोई वाहन चालक वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना ज्यादा नुकसान होता, जान माल की हानि हो जाती। लेकिन पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर अचानक नीचे की तरफ गिरा, लेकिन गनीमत यही थी कि नीचे सड़क पर कोई वाहन नहीं जा रहा था। तो तेज बारिश चल रही है और विकास नगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ का एक बड़ा मलबा टूटकर नीचे की तरफ गिर गया। उत्तराखंड में मानसून की बारिश की वजह से आम आदमी की मुश्किल बढ़ गई है। पहाड़ों से गिर रहे मलबे की वजह से हाईवे बाधित है, जिस वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। मानसून की बारिश क्या बढ़ी, मानो देवभूमि में लोगों की मुसीबत ही आ गई। मसूरी में एक मकान का पुश्ता ढह गया, जिस वजह से एक पेड़ हाईवे पर आ गिरा। रास्ता संकरा होने की वजह से घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। फायर सर्विस की टीम ने पेड़ को काटकर हाईवे से हटाया, तब कहीं जाकर आवाजाही शुरू हो पाई। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। उधर बारिश ने यमुना घाटी के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ा दी। नौगांव गढ़ौली मार्ग पर बरसाती नाला में पानी बढ़ गया, जिससे राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई। मुल्डा गांव में कई मकानों के धराशायी होने का खतरा है। एहतियात के तौर पर घर में मौजूद लोगों ने मकान खाली कर सुरक्षित स्थान में बसेरा बना लिया। उधर यमुनोत्री हाईवे पर खरादी, कुथनौर और पाली में पहाड़ों से बोल्डर और मलबा गिर रहा है, जिससे आवाजाही बाधित है। विकासनगर कालसी चक्राता मार्ग मलबा आने से बाधित है। हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिस वजह से रोड से गुजर रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के समय मौके से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, और न कोई राहगीर इसकी चपेट में आ सकता था। देहरादून के प्रेमनगर में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। पुश्ता ढह जाने से कई दुकानों के गिरने का खतरा है। खतरा बढ़ता देख तीनों दुकानों को खाली करा दिया गया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि, विकासनगर से विक्रम, बड़कोट से नितिन के साथ मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।